नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 7 और 8 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे और इसी के साथ जीके की ये हमारी 24th क्लास है। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ये आज के डिस्कशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में दवाई पहुंचाने के लिए पहला ड्रोन स्टेशन बनाया गया है? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का मेघालय, सी ऑप्शन। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर है, मेघालय में दवाई पहुंचाने के लिए पहला ड्रोन स्टेशन बनाया गया है। बात करते हैं दूसरे ऑप्शनों की, मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने अंकुर योजना, इसको स्टार्ट किया। केरल की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना, इसको स्टार्ट किया। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पर्वत धारा योजना, इसको स्टार्ट किया। अब बात मेघालय की हुई है तो आप लोकेशन देखिए, ये है मेघालय की लोकेशन। बांग्लादेश देश के साथ इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री बनती है और आसाम राज्य के साथ भारत के अंदर इसकी बाउंड्री शेयर होती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है मेघालय की। मेघालय की सबसे पहले आप कैपिटल याद रखिएगा, इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है शिलोंग, शिलोंग कैपिटल है। मुख्यमंत्री हैं कॉनरेड संगमा और राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। आसाम राज्य के साथ बाउंड्री शेयर होती है। 11 जिले हैं, लोकसभा की 2 सीट, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60 सीटें हैं। बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश की। देखो शिलोंग में इसकी क्या है, हाई कोर्ट है और वहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव बैनर्जी। अब क्वेश्चन उठता है यहाँ से, गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंती हिल्स, ये तीनों हिल्स अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, किस राज्य में है? तो ये तीनों हिल्स ये हैं मेघालय में। ये आप याद रखेगा, ऑप्शन में दिए जाएंगे जैसे मेघालय, आसाम, नागालैंड और त्रिपुरा। जब पूछा जाएगा कि ये तीनों हिल्स किस राज्य में हैं तो आप याद रखेगा कि ये मेघालय में हैं। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सेकंड क्वेश्चन, टेक्निकल टेक्सटाइल पर भारत का प्रमुख शो टेक्नोटेक्स 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कहाँ पर? महाराष्ट्र में, बी ऑप्शन, महाराष्ट्र। ये सेकेंड क्वेश्चन का सही आंसर है। राज्य भी पूछा जा सकता, शहर का नाम भी पूछा जा सकता है। शहर का नाम क्या हो जाएगा? मुंबई। गुजरात की बात करें, गुजरात की सरकार ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन, इसको स्टार्ट किया। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र की सरकार ने जेल पर्यटन, इसको स्टार्ट किया। राजस्थान की सरकार ने चिरंजीवी योजना, इसको स्टार्ट किया। और गोवा की सरकार ने पानी बचाओ योजना, इसको स्टार्ट किया। बात महाराष्ट्र की हुई है तो आप लोकेशन देखिए, ये है महाराष्ट्र की लोकेशन। आसपास के राज्यों की बात करें, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा, इन राज्यों के साथ महाराष्ट्र की बाउंड्री शेयर होती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। मुंबई कैपिटल है, 1 मई 1960 में फॉर्मेशन हुई थी। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। बॉम्बे में इसके हाईकोर्ट हैं, जहाँ पर महाराष्ट्र, गोवा और DNHDD, ये क्या है, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, इन तीनों की जुरिस्डिक्शन ये बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। लोनार लेक, वीना लेक, दोनों लेक महाराष्ट्र में हैं। डैम देखें, कोयना डैम, ये कोयना रिवर के ऊपर है, जिसे लाइफलाइन ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है। मूरा डैम, उज्जैनी डैम, ये भीमा रिवर के ऊपर है, इसलिए इसे भीमा डैम कहा जाता है। जैकवाड़ी डैम, 36 जिले हैं, लोकसभा की 48 सीट, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288, विधान परिषद की 78 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें, गोगुमल नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, तदुबा अंदरी टाइगर रिजर्व, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क। तो ये बात करी हमने नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के बारे में जो महाराष्ट्र में है। थर्ड क्वेश्चन, उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू 7 दिसंबर 2022 को किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का मलेशिया, सी ऑप्शन, मलेशिया। थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर है। कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। करेंसी है रिंगित। प्रधानमंत्री है अनवर इब्राहिम। अजरबैजान की बात करें, बाकू कैपिटल है, मन्नत करेंसी है, प्रधानमंत्री अली असादोव और प्रेसिडेंट है इलहाम अलीयेव। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, कैनबेरा कैपिटल है, प्रधानमंत्री है एंथोनी एल्बनीज। इंडोनेशिया, जकार्ता कैपिटल है, प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट है जोको विडोदो। तो सी ऑप्शन मलेशिया, ये थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन, 2022 में सशस्त्र सेना झंडा दिवस यानी आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया कब? 7 दिसंबर को। 5 दिसंबर 2022 को वर्ल्ड सोइल डे मनाया गया। 4 दिसंबर 2022 को इंडियन नेवी डे मनाया गया।
2 दिसंबर 2022 को नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे ये मनाया गया, और 7 दिसंबर को आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे ये मनाया गया। सी ऑप्शन फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 6 दिसंबर 2022 को किस शहर में भारत के पहले ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई। सी ऑप्शन ए ऑप्शन चेन्नई जो है ये फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। सिक्स्थ क्वेश्चन, किसको तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह को तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष यानी चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ए ऑप्शन ये सिक्स्थ क्वेश्चन का सही आंसर है, अरुण कुमार सिंह। सातवां क्वेश्चन, 2022 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे ये कब मनाया गया? तो ये दिवस मनाया गया 7 दिसंबर को। सी ऑप्शन जो है ये 7th क्वेश्चन का सही आंसर है, 7 दिसंबर। 8th क्वेश्चन, मीराबाई चानू का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मीराबाई चानू का जो संबंध है ये है वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन। डी ऑप्शन जो है ये 8th क्वेश्चन का सही आंसर है। 9th क्वेश्चन, कहाँ पर दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM लगाया गया है? तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? आंसर हो जाएगा हैदराबाद। डी ऑप्शन जो है हैदराबाद 9th क्वेश्चन का सही आंसर है। हैदराबाद में दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM लगाया गया है। देखो एग्ज़ाम में ना ऑप्शन में सिटी ना देके राज्य के नाम भी दिए जा सकते हैं, तो आप याद रखिएगा राज्य का नाम क्या हो जाएगा? तेलंगाना। राज्य पूछा जाए तो तेलंगाना और शहर पूछा जाए तो हैदराबाद, ये आप याद रखिएगा। अब ये GK की 24th क्लास है जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। पूछा जाता है कि लोकटक क्या है, फिर डैश दे दिया जाएगा, तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? लेक। लोकटक एक लेक है। सेकेंड क्वेश्चन, डियोगो गार्सिया इज एन आइलैंड इन द ओशन, ये किस ओशन में है? ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में रिपीट हो चुका है। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का इंडियन ओशन। थर्ड क्वेश्चन, चिल्का लेक इज लोकेटेड इन, चिल्का लेक किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ओडिशा। फोर्थ क्वेश्चन, सरदार सरोवर डैम इज बीइंग बिल्ट ऑन द रिवर, सरदार सरोवर डैम ये किस रिवर के ऊपर बना हुआ है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आंसर हो जाएगा नर्मदा रिवर। फिफ्थ क्वेश्चन, सूरत इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, ये किस रिवर के किनारे हैं? ये ताप्ती रिवर के किनारे हैं। छठा क्वेश्चन, वेयर इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, तो ये कहाँ पर है? ये है देहरादून में। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।